Assalamualaikum viewers, मैं हूं मना अजमत। Assalamualaikum, मैं हूं मेरी नमन। और हमारी तरफ से पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए और इंडियन बहन भाइयों के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज हम बताएंगे टर्की बाय थोड़ा बहुत, तो सलाम को करते हैं मरहबा, तो पर्शियन में कहते हैं सलाम, और टर्किश लोग यूरोपियन भी हैं, तो उनका गेटअप जो खवातीन होती लेडीज, तो वो ज़रा वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं और स्कार्फ भी पहनती हैं। तो मैं वो भी दिखाऊंगी आपको किस तरह वो लोग स्कार्फ भी पहनती है। अभी दिखाती हूँ आप लोग को स्कार्फ। स्कार्फ पहनती भी हैं टर्किश खवातीन। और आज हम बात करेंगे अपनी फेवरेट सिंगर नाज़िया हसन के बारे में, पाकिस्तान की सबसे प्यारी लड़की नाज़िया हसन। आज उनकी बरसी है, 13 अगस्त है आज, तो हम भी उनके लिए दुआएं करेंगे और हमेशा करते हैं, और आप लोग भी उनके लिए दुआएं कीजिएगा। सबसे प्यारी लड़की नाज़िया हसन, और यकीन अब भी नहीं आता, लगता वो अब भी हमारे सामने हैं, जिंदा हैं, और वो वैसे सबके दिलों में राज करती हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे नाज़िया हसन। और उनकी अच्छी आवाज़, बहुत क्वालिटी वाली आवाज़, अच्छी आवाज़ और बहुत गुड लुकिंग, और उनके बारे में मैं क्या तारीफ करूँ। और वो सुलझी लड़की, बहुत अच्छी, पाकिस्तान की सबसे प्यारी लड़की नाज़िया हसन। तो आज उनकी बस उनके सॉन्ग सुनाते हैं, लेकिन क्लेम लेम का मसला होता है आजकल, तो इसलिए हम सॉन्ग आपको नहीं सुना सकते, तो उसके लिए माजरत। तो नाज़िया हसन का सॉन्ग ही प्ले कर नहीं कर रहे हम लोग, और हम गा भी नहीं रहे, और हम लोग आप लोग से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी पढ़ के बख्शवाएँ नाज़िया हसन के लिए, उनके इस आले से आप करें, तो अब यही काम आएगा और उनको याद। और हमारे मोहल्ले के बच्चे बैंड बाजा बजा रहे होंगे, आवाज़ें आ रही होंगी, तो उसके लिए माजरत। 14 अगस्त मना रहे हैं अभी से, तो और शोर शराबा हो रहा है, बच्चे बाजा बजा रहे हैं, तो हम इसके लिए माजरत चाहते हैं। और अजीब सा मौसम है, घबराहट से होती है, अजीब सा है फीलिंग, अजीब सी है, घबराहटी घबराहटी सा। आपके जो प्यारे चले गए इस दुनिया से, चाहे आपके पेरेंट्स हो या रिलेटिव्स हो, सबके लिए दुआएं क्या करें, दुआ मगफरत क्या करें, अपनी खुशियों में उनको भी याद रखें, कब्रिस्तान जाया करें, वहाँ जाके दुआएं पढ़ा करें, और उनके नाम से आप लोग सदका वगैरह खराब कर दिया करें, अपनी खुशियों में उनको भी याद रखें जो आपके इस दुनिया से चले गए हैं। बस मैं यही कहूँगी, और नाज़िया हसन जितनी तारीफ़ की जाए कम है, उनके लिए अल्फाज नहीं है, किन लफ्ज़ों का हमें चूज़ करें, उनके लिए कौन से अल्फाज यूज़ करूँ मैं, मुझे इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, और हमारे दिलों में उनके लिए दुआएं करें बहुत सारी। और हमारे नाना की जो सिस्टर थी राबिया, उनकी भी बरसी है 27 अगस्त को, तो आप लोग उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, हम तो करेंगे करेंगे, आप लोग भी कीजिएगा। ये फिर अगर हमें देखते हैं सुनते हैं, तो उनसे दरख्वास्त है हमारी कि आप लोग उनके लिए भी सारे सवाब कीजिए। और 31 को प्रिंसेस डायना की भी बरसी है, उनके लिए भी दुआएं कीजिएगा, वो भी हमारी फेवरेट थी प्रिंसेस डायना। बस मैं यही कहूँगी जो इस दुनिया से चले गए हैं, चाहे आपके रिलेटिव्स हो या कोई भी हो, सबके लिए दुआ मगफरत कीजिए, और उनको भी याद रखिए अपनी खुशियों में,
और एडवांस में अपने लिए भी दुआ मांगे, अपने घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसों में सबके लिए दुआएं कीजिए। बस मैं ये कहूँगी। और हम इजाज़त चाहते हैं, हमें इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब मस्ट। और हमें दुआ में याद रखिएगा ज़रूर, हम भी आपको दुआ में याद रखते हैं। जब तक ये अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने गुबार टाटा बाय।